हम सभी पधारे हुए हैगा श्री सीताराम मंदिर कासियालान जो हौतोइन पर होते हैगा, वहाँ से हम लोग आज अपना मंदिर के कार्यक्रम आपके घर तक पहुँचाएंगे। ये दूरदर्शन टेलीविजन जो आप बैठे हुए और इस वक्त पर देख रहे हैगा, हम सभी का कार्यक्रम जो रहेगा, हम दो व्यक्तियों के इंटरव्यू करेंगे, उनके बाद पंडित का प्रवचन चलेगा और ये कार्यक्रम के बाद हम सभी का जो स्पॉन्सर का संदेश होते हैं वे हम आपको सुनाने वाले हैगा। जैसे हमने आप लोग के बताए हुए हैं, हम पधारे हुए हैं श्री सीताराम मंदिर हौतोइन के। हमारे सामने खड़ा हुए हैगा विजय प्रकाश बोंदू जी जो सभापति होते हैं इस मंदिर के, उनसे हम बातचीत करेंगे और तुरंत हमारा प्रश्न जो रहेगा, सभापति आप कितने दिनों से सभापति इस मंदिर के हो? सबको क्या हमारी तरफ से राम राम स्वागत। और जैसे आप पूछ लो है तो ये मंदिर के हम धले लगभग 10 बरिस से सभापति बाती बस्तियों में, जब से मंदिर तब से मंदिर के बस्तियों में बाती। और आने वाली दिसंबर के 21 तारीख के मंदिर 35 बरिस हो। इसे तो कोविड का जमाना है, इसे कार्यक्रम ना चले है बड़का में, छोटा छोटा में हम लोग मंदिर के जन्मदिन मनाएंगे आने वाली दिसंबर 21 तारीख के, छोटे में मंदिर के जन्मदिन मनाने कारण कि जमाना गड़बड़ है, कोविड के जमाना है, बहुत जने एकत्रित ना हो सके। हम जितना दोना त्योहार समान मंदिर के है सबके धन्यवाद देला कि आज वही सबके कारण वही सबके जरिए से मंदिर चले है। और जो जनता आवे सबके भी धन्यवाद देला कि अब्बे तलुक तादाद में जनता जुटे और कारण कोफियत है वही से अब्बे इतने है, जब कोफियत ना रहता तो मंदिर भरल रहता, यही है। और सबके धन्यवाद अल्फाज देला कि कोमन दिसंबर 21 तारीख को ही इन्हें तो बोल सके कि हम लोग के कोई जग चली दिन भर के जे जेके समय रही समय बना के आ सके। आज हमारे व्यास आसन सुभवित कर रहे हैगा श्री सीताराम मंदिर के गंगाराम पांडे और श्री रवि शंकर, और उनसे हम तुरंत पंडित हम जा रहे हैं अंतिम इस साल के प्रति, और हम लोग दूरदर्शन टेलीविजन दैतिम पेन फिर के हैगा। आप जो तमाम जनता आपके संदेश सुनते अनेक मंदिर से, उन प्रति हमारे देश विदेश में क्या लोगों के संदेश है आपके प्रति? संदेश यही है कि बस प्रार्थना करने से भक्ति शक्ति में आकर के बस ऐसे मिलना है। लेकिन विशेष करकर के साधारण से रूप में कि जितना जो रोग बीमारी चारों कहते जो दुनिया इसे चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग के जितना जो गुरपुरनिया सिख के झाड़ू जो शीतला माता से नाम से बस विनती करते रहे हैं। और शीतला माता से बस यही विनती है कि जो कोरोना वायरस डेल्टा प्लस जैसे अनन्य प्रकार के जो रोग बीमारी है उसको अवश्य आकर के निवारण करें। सिख के झाड़ू घर के यथा द्वार के आगे आसपास धरना। शीतला माता ये ब्रह्म देवता की पुत्री हैं, जब तक आकर के अकर्म बाधा कस जब आकर के हो रहा है तो इसलिए चारों कहती दुनिया पर बस रोग बीमारी फैल रहा है। तो इसलिए शीतला माता बस यही एक मंत्र अनुसार आकर के है ओम शीतला मताय नमः। यथा शीतला माता से विनती करल जाए कि मन ठंडा करो, रोग बीमारी आकर के बस निकालो और फिर भी धर्म रास्ता पर आकर के चलो। मत यही भगवान के संदेश है कि आप हम लोग सोचिला कि अमर के जीवन है, मत जहाँ आकर के ऐसे रोग बीमारी बाधा कष्ट जब फैल जाए तब भगवान की कितना याद हो रहा है। इसलिए रोज आकर के धरती माता बस चूना, सूर्य भगवान के आकर के विनती करो। मंदिर द्वारा से जैसे आप लोग जानते हैं कि देख सीताराम मंदिर में आकर के बस अवश्य हम लोग हैं, और ऐसे अनन्य प्रकार के मंदिर है कि भगवान के महिमा आकर के पूजा करने से। फिर भी जैसे लोग आकर के जानते हैं कि जब तक पुरोहित मंदिर में आ रहा है तो बस ऐसे पहले हव्य करता है हवन, और हवन करने से कि हव्य के द्वारा से जैसा आप अंतरिक्ष में देख रहे हैं कि रोग बीमारी कैसे यहाँ पे प्रकट हो सके कि इस धूम्रपान चारों कई थी कोरोना वायरस बस ऐसे निकाल देते रहे। इसलिए कि हम लोग कोरोना वायरस बस तैनक बाटी कि इसलिए कि पंडित पहले आ रहे हैं हवन करते हैं, और हवन करने से देखिए हव्य द्वारा से बस धूम्रपान हो जाए। बस यही भक्ति से अनुसार जैसे गुरुपुर शिक्षा है इस बार शीतला माता पूजा करने से, शीतल ग्रास चाय पीने से, अदरक के चाय, बहुत 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 अनन्य प्रकार के कुछ ऐसे उपाय हैं। बाकी फिर भी भगवान बस संदेश दे रहा है कि हम लोग हिम्मत बांध करके अवश्य भगवान के कभी नहीं बोलाना।
जब छोटा छोटा लड़कन बस उसको शिक्षा देवा है कैसे अगरबत्ती यथा आरती करना है, कैसे भजन करना है, तो अवश्य आकर के सब सिद्ध हो जाए। वन भक्ति में शक्ति है, इसलिए अपने आप के अवश्य भरोसा करना और फिर भी विश्वास, अतल विश्वास भगवान के रूप पर ही से रहना, तो अवश्य आपके रास्ता वो सब खुल जाए। ये हमारा पूरा आशीर्वाद है सब कोई के लिए कि देख प्रार्थना करो, विनती करो और जहाँ आकर के मंत्र जब तक समय रही सीखो कि अपन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, क्यों, और यही प्रश्न पूछने पर तो अवश्य आपके ज्ञान बढ़ जाए। श्री राम मई सब जग जानी, श्री राम मई सब जग जानी, ना मैं कवि हूँ कवि न कहूँ, ना मैं कवि हूँ कवि न कहूँ, सत्य को लिखहि गाओगे जगोरे, सत्य को लिखहि गाओगे जगोरे, हो राजा कागज गोरे। बोले श्री विष्णु भगवान के। आए हुए भक्तजनों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आकर के मंदिर तीर्थ स्थान सीताराम मंदिर से अवश्य आप लोग फिर भी स्वागत किया जाए, आप लोग भी गांव निवासी सहित, और आकर के इस गंगा पर्व में जैसा आप लोग सब कोई जानते हैं कि गंगा मैया आकर के बस समय है। व्हाट इज गंगा टेथ काहे करती हैं? मान हो जाए कि जब कोई प्रश्न पूछे सनातन धर्म में अंतिम समय तप रही होगा मिलेनियम में तुई दर्शन खाली चारों की थी कितना मुसीबत भरमा कुछ ना भर, तो फिर इनका लोगन तुई दर्शन त्वालव में फिर मुसीबत रह कुछ ना भर। तो हिंदू धर्म में आकर के कब बा कि जब तक आप लोग सुनियो कि जब गंगा नदी झुरा जाए राम नाम सत्य, हम लोग सोचिला कि राम नाम लेने से सत्य से बस मरने में लेवल जाए ना, राम नाम तो सत्य ही है। और विष्णु भगवान आप लोग तो नहीं जानते हैं कि गंगा मैया बस उकर पुत्री है, कैसे एक समय के बाद है सजनों जब तक आकर के वामन के अवतार रहा राजा बलि तो बस हंस करके तीन कदम बस जमीन दे दे इस बार, बस आकर के वामन के अवतार विष्णु भगवान पहला रेखतर गौर आकर के धर देश, इसलिए कि जहां मंडल रही मानवल जाए कि जब जग रही मानवल जाए कि जब विवाह संस्कार मंडप में पहला आकर कदम जब धरियो तो कौन कदम से रेखतर फूट एर्समुचे रेखतर फूट खसेत और द मानवल जाए कि जब घर बोच रही घर के नवा आकर के प्रवेश तो क्या दुल्हन पहला रेखतर गौर धरे, ऐसे भी यज्ञ मंडप में ऐसे विवाह संस्कार में दुल्हा यथा दुल्हन एर्स स्थाप में रेखतर फूट नर बने आकर के वामन के अवतार बस वही जो विष्णु भगवान के अवतार बा रेखतर गौर धरिस बा। त कथा आकर के मोइसे सुनिए विष्णु भगवान बस लिंग कर गौर पर धर दे इस कहा पर्वत पर लग गए सजनों, तो क्या जब होठ यथा आकर के अंगुरी कट जाए तो खून थोड़ो पहले आवे पहले फोख्त आवे और उस फोख्त से कारण से उसके पश्चात बस नदी से अनुसार नाना प्रकार के बस जल आकर के प्रकट भइल बा कौन सा जल गंगा। तो ढेर मिला सोचे कि गंगा नहान गंगा जयंती है ना, गंगा सप्तमी गंगा नहान और गंगा जयंती तीन दा आकर के फर्क बा, गंगा नहान पर कहा आकर के गंगा मैया के जन्मदिन बा ना, उससे पहले भी आकर के बल रहा जब तक वामन का उतार रहा तो टेक्निक आकर के सोचो रेखतर गौर जब धरिस बा इसलिए रेखतर कहेंदी कौन ची लोंडा, तो लिंकर आकर के स्वभाव इस आलते फ्रोल, तो इसलिए कि जब विष्णु भगवान वाम गौर जब धरिस बा और जब पर्वत में आकर के लग गए रहा तो इसे एक पुत्री उत्पन्न भर बा, इसलिए गंगा मैया के नाम पहला नाम है विष्णु पत्नी सही दिख बोर इस लिंकर फूट फॉन विष्णु भगवान तो इसे नारी भर। तो भगवान ब्रह्म देवता कमंडलों बस गंगा आकर के बस पकड़ ले इस बार स्वर्ग लोग में रहा, और इसने अनन्य प्रकार के पुराणों के बाद आकर के है कि कैसे राजा सगर के और बस पर पौत्र यथा पौत्र की इतना मुसीबत में रहा कि अंजाम लगा करके बस कपिल मुनि के आसपास बताइस बा कि ही चोर बा ही सब आकर के चोरी कर दे इस बा यानी कपिल मुनि, और बस श्राप के कारण सजनों बस आकर के सब जितना शस्त्र दर्शन जितना जन पुत्र रहा बस भस्म हो गए, और इमें परमान के बाद है कि श्राद्ध हम लोग के चाहिए करेंगे, श्राद्ध के अर्थ हैगा श्रद्धा यानी के परवा श्राद्ध होकर बोला जाए पितर पक्ष,
और पितर पक के द्वारा से जितना जन आकर के ऐसा हाय सजनों ते ही सब नाना प्रकार के जितना जन आकर के हाय ते एमे सब प्रमाण बतावे कि कैसे आकर के तिहार प्रकट भइल बा। वार इज द जर त पहला आकर के आप सोचियो गंगा मैया कहां से प्रकट भइल बा, विष्णु के चरण में। गंगा मैया आकर के अब आकर के कहां पर, कौन स्थान पर, केकर सिर पर, भगवान शिव के, विष्णु भगवान के चरण में आकर निकल गए और फिर शिव भगवान के मस्तक पर। तो आप सोचियो कि गंगा के पद, गंगा के जितना महत्व और गंगा मैया के जितना जो शक्ति से अनुसार है भगवान शिव दुनिया भर ने किस बा कि सिर यथा जटाधारी आकर के गंगा मैया है। बोले श्री गंगा माता की, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो इसलिए आकर के सजनों लिखल बा परमान गंगा चालीसा में कि जो गंगा शत शत नामा सकल सीध है पूर्ण काम। मानवल जाए कि जो कार्य ना सिद्ध भल, माला जाप करने से बस आकर के आप ले लियो माला, ईसाई माला सब कोई भूल जाए है घर पर, खाली भक्ति से आकर के प्रार्थना करे है, भजन गावे है, बखी माला भी कुछ एक महत्व में है। उका सती माता 108 टुकड़ा गिर गए और ही से बस आकर के माला उत्पन्न भल बा। माला से सीध शक्तिपीठ बोला जाए है, रेक्टर रिंग फिंगर द इनख देख आदर दिन आदर हर तू खात, वही से पैते पहनल जाए है कि मंथन से पूजा करो जाए है, डैम इज द हु फिंगर खात ऊफरा। तो ये जो दुई गो स्त्रीपी जो ना बात वही बीचे में ले करके तब तो माला पहले खुलल जा है, नवा माला जब किनल जाए है पत्रा से मुताबिक विचारल जाए कि कौन माला तोर संग आकर प्रसन्न बा, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, मोती माला, चंदन माला, लाल चंदन माला, कौन माला। मैं जब माला खरीदल जाए तो के आकर के खोल जाए मंत्र ओम क्लीम नमः, आप लोग हाथ जोड़ लो बा और सब कोई साथ साथ बोलो, बोल ओम क्लीम नमः। तो ये हैगा मंत्र हैगा माला खोले के करती अन ओपनिंग से माला, वन तू ना जान सके कि कहाँ उड़ के आल बा के कर हाथ लगल बा, तब माला खोलल जाए। जैस खोल गए तो अपन घर के पंडित यथा गुरु तो आपके वो मंत्र दे। बाकी गंगा चालीसा में का लिखल बा कि जो गंगा शत शत नामा सकल सीध है पूर्ण कामा। तो मानवल जाए कि जब आकर को कर पश्चात ओम गंगाय नमः बोल दिए, रियल सिंपल बोलो ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम ओम ओम। बस यही बस सहज मंत्र है। मानो जाए कि जब गंगा नहान के रोज पर ही तो कौन मंत्र से बोल दी वत मुत दोनों गंगा नहा तिहार तो आकर के ही। ऐसे बहुत लोग आकर के बतावे कि कहाँ जाइए अपन पाप जाइए धोवे, तो बोलिए हाँ हम जाए ना अपन पाप धोवे, तू जो मांग तो हूँ भी चलो साथ। गंगा नहाने को पवित्र चीज है, गंगा से सहित आकर के जब प्रकट भल बा सजनो, गंगा के आकर के कई नाम दिए, त्रिपथा मदाकरी और दूसरा नाम जानवी, और जानवी आकर के कैसे प्रकट भल बात। तो चलिए बस यही रस की कथा आज के हम लोग सामने बोले, फिर भी उसको पश्चात आकर के सुना देवे कि गंगा नहान पर कौन सी चाहे करे। चलिए आप हार जो लो और साथ साथ बोले हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे। विष्णु भगवान मोक्षदायक है, गीता पाठ आकर के कर लो। काशीपुर कहा भारत देश में, और परमान बतावे कि जब कोई गुजर जाए काशीपुर में तो तुरंत मुक्ति प्रदान मिल जाए। शिव पुराण में परमान लिखल बा कि चाहे अंतिम प्रलय होगा चारों कैती दुनिया भर आकर के भस्म हो जाए, बाकी भगवान शिव त्रिशूल से सीध काशीपुर हमेशा तरा रही। 37 साल आल तय ब्लेफ आलिस द फर्नीतिकिंग तैरवेल कोम मा काशीपुर आकर के भगवान शिव के त्रिशूल पर ही। बहुत लंबा कथा है शिव पुराण में लिखल बा। बाकी काशी विश्वनाथ गंगे के का अर्थ है कि गंगा मैया हम लोग के मुक्ति प्रदान दे सके। अबे सनराइज रेडियो आपके प्रश्न पूछला कि संदेश कौन सी बात सब दुनिया भर में, मुक्ति प्रदान करो। आपके लक्ष्य क्या है, दत्व फॉर लॉसिंग मुत क्रेख,
दुख बहुत ज्यादा है, प्यार के दुख। पंडित बेन फरलीफ मार्सेय एसनित फरलीफ तब नहीं, देखिए दुख। बाद में पति पत्नी घर पर इतना मोइसर है, पति चल गए घर से, पत्नी चल गए घर से, अनन्य प्रकार के आकर के दुख है जाएगा। तो इसलिए कि कैसे हम लोग करी कि देह में आकर के ताकत नहीं कि हम आगे जा सकेला, मन दुख जो ना आकर के तो वो भी जैसे पवित्र कथा मकोजी सौत, यानी कि जब रोइये तो देखिए सौत अख्त करी, वो भी आंसू है। तो आप सोचिए कि वही गंगा के समान है ना, तो का अर्थ कौन चाहिए, गंगा नहान कहां हुए, जहां मीठा पानी है, समुद्र कहां आकर के गंगा नहान कर पाइए। ये सौत आकर उस सागर बोल जाए, मान बोल जाए कि जहां आकर के मीठा पानी रही, ऑफ की तो ब्राक वाटर दत्कान समुद्र में, जब देखियो ब्राक वाटर कैसे बोल जाए, संगम दत्वी वाटर बेलकार को मत, देखिए एगो स्त्रीपी बा पनिया पर तो भी गंगा के समान हो जाए। तो सजनो बस आकर के गंगा नहान से आकर के जब सर सर गिरला, कथा सब कोई जान ले इस बार कि कैसे भगीरथ आकर के तीन पीढ़ी जो आकर के रहा, इसलिए कि जब तक हम लोग कन्यादान करीला, जब तक आकर के श्राद्ध करीला, तो तीन पीढ़ी से हम तो तीसरा पीढ़ी से आकर के बस लोक भैल बा मुक्ति प्रदान मिले के का। अंदर पांचवा पीढ़ी तो बोल दे मैं कहा करते तीन पीढ़ी, पिता नाम से पर पिता नाम से व्रत पिता नाम से, भगीरथ के आकर के प्रार्थना करने से बस आकर के शिव भगवान मान वल गए कि जताधारी पूरा आकर के गंगा अपन जता में धर ले। तो लोग अपन बाहर से पानी रुक पाइए, उसे कोई ना रुक पाई, बाकी भगवान शिव करके देखा इस बार। और केवल एक बूंद से आकर के उसमें तीन बूंद निकल गए पाताल में, धरती पर और स्वर्ग लोक में। और जब धरती पर आ रहा सर 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 आकर के गिरे सजनो, तो वहां पे एक ऋषि नाम रहा जानू ऋषि। जानू ऋषि बस सुन करके अत्यंत क्रोध के कारण से, गुस्सा कारण से ये आवाज कहां आलबा। एक तो गंगा बहुत मेहनत से धरती पर आलबा सजनो, बस आकर के जहां जहां गंगा नदी जात बा सबके मुक्ति प्रदान देवत रहे, भली श्री गंगा माता की हर हर गंगे। अबस माता बहुत आवाज है, कितना सुंदर आकर के कभी पानी हो जाए, और कितना हल्फा सुशीत कितना भयानक दिखा है। तो बस माता सर 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 जब गिरत रहे सजनो, बस जानू ऋषि मन मन में सोचे कि कहां साल बा, गुस्सा कारण से जैसे अगस्त मुनि पूरा आकर के समुद्र पी धारिस रहा, तो ऐसे भी जानू ऋषि पूरा गंगा मैया पी धारिस बा अपन योग शक्ति से अनुसार। तो जब पी धारिस तो फिर सब कोई आकर के निवेदन करिस रहा प्रार्थना करने से कि हे प्रभु हे ऋषि मुनि उसको छोड़ दो। तो आकर के पहले भगवान शिव के सिर से निकल के और जानू ऋषि का कहां से उत्पन्न भेल बा, कान से। इसलिए भगवान संदेश देवे हम लोग के कि हम लोग के मनसा पाप बहुत ज्यादा है, व्हाट सीन वे एंड फॉर ऑल व्हाट होर वे, कि आकर के दर्शन करने से सुनने में से भी सबको भी तनी से पाप लग जा है विसर्जनों। ऐसा इस सेल बहुत ज्यादा है तो, और मान वाल जाए इस सेल में कोई कुछ ऐसे ताक दे है, बोले अरे बाप रे का हुई फाइटिंग घर में कितना मुसीबत। तो इसलिए इस सब जब गंगा नहान जो आकर कहेगा शीर्ष सहित और कानों से सहित जानू ऋषि, बस आकर के गंगा मैया अपन कान से निकाल दी इस बार, तब दूसरा नाम होगा गंगा मैया की कौन सी, जानवी। हाथ जो लबा बोलो ओ जानवी मताए दबह। इसने अनेक प्रकार के बस कथा है सजरों कि कैसे गंगा मैया आकर के प्रकट भई बा। गंगा मैया आकर के बोलने से कभी भूख नहीं रही रहा है, दच नोइत होंगर अनास देगा असक्रेगा अलीन अशे गंगा मैया पूजा दूत। वैसे बहुत दुख हो जाए है कि कभी कभी ना समझे है कि कोई फिल्म ऑफ हमने नहीं के दे, देखिए दूरदर्शन पर दिखा है यूट्यूब पर ऑफ अनन्य प्रकार के कुछ दे, देखिए फूल सरवावे के समय पर तो बोले ईसा इतना ठीक है, बोले ना चाहिए सरवावे के इसमें यही फर फैलेगा। अरे हम लोग के सदियों से आवत गए, का आप लोग सोचे हैं कि जब कथा जल्दी जब हो गए दोनबा ऐसा क्लार इस नक निकलार निकेरी में जब जाइए तो देखिए वहां पे सब कोई गंगा पूजा करे है स्थानदार। तो ये जो नारियल के फूल जो नबा जो फूला है तो मान वाल जाए ओके बस धर करके साभी फल, और साभी फल इनख आकर के फलबा जो जिंदगी भर आकर के फल प्राप्ति मिले। इसलिए कि जब कन्यादान यथा आकर को सब चीज होवे, तिलक जब चढ़ल जाए तो साभी फल ले जाए,
kokosnoot met mast, enige vrucht die de hele jaar van alle de urite pulle. Is niet gebonden aan seizoen gebonden. Deze leer die hem lukken in die bar, pal prapti mile, or bas sabi pal aker kesasit, sajano, bas pratna karwaikerke, de ganga pujan, to ohi baskita mechae, awara bas mechae, jaiste. जितना पुल आकर के जितना जो रुई रुई सब आकर के है बस बितोर करके तो गंगा में परवा कर जाए। और कौन सी काल निकल रहा है गंगा चलीसाण में कि जो गंगा शत शत नामा सकल सीध है पूर्ण काम तब तो काम आकर के सीध भर बहता पानी से हम लोग थोड़ा बोल ली कि स्थल शांत वातावरण में चाहिए धरे के। और देखिए जो फिल्म बताई इस बाकी जो आकर के ना चाहिए देखिए पछवा रेल गिर है कितना फूल पान आकर द नेचर इज सो गरीब दैट सेल्फ द ब्लूम एंड ऑल्स आर फॉल्ट इन वाटर तो ही बहता पानी से आकर के बस ऐसे करवा दे। और का हुए है पान दुवल पैसा आकर के धर करके हाथ जोड़ करके विनती करो जाके हे गंगा मैया जोन कारज जोन आकर के रहा हुई हमके सिद्ध करना। जैसे जब यज्ञ हो जाए पांच लोग पाल देवता आप सोचे कि एक दरी पर आकर के सरावल जाए इस नीत सो इन दी फाइव रिखतिंग वो खसर बेफोबल आकर के कोमो वैने में फिर सरमक्का में फिर आकर के औतवैक में ती पांच दिशा में आकर के बस सरावल जाए दैट वर्ड सो दिंग खदा तो का अर्थ आकर के सजनो है कि जब तक गंगा नहान आकर के जब है राजा सगर के जितना पुत्र है सब उत्तीर्ण हुई है। अर्थ गंगा नहान की वही दिन है कि आपके जब साइत सपना जब आकर के दर्शन कर लो हमार आजा के हमार पर आजा के आजी के कोई गुजर गए सपना में संदेश आलबा तो ही गंगा नहान के रोज पर आप विनती कर सके कि ओके मुक्ति प्रदान दे सके। तो पहला आकर के कर्तव्य कौन से है कि जहां नदी मीठा पानी रही बस प्रार्थना करवाई करके कुछ पांडवल पैसा फेंक करके तीन दफे आकर के बस पानी पियल जाए और पी करके शुद्ध आकर के हुए जैसे गरुड़ पुराण में परवान लिखल बा कि गंगा आकर के पीने से मानव जाए जैसे रुई आकर के जब आग लग जाए तो इसने सब अनन्य प्रकार के पाप विमुक्त हो जाए। अब हम ना बोली रहा कि तुम पाप करते जाओ और अपन आसपास गंगा जल पिए जाइए ऐसे ना है और अचानक आकर के भी मुसीबत हो जाए भी और फिर भी आकर के दूसर उपाय कौन सी है कि हरे रामा हरे कृष्ण 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 बोलने से तो देखिए ये सब आकर के बोलने से भी मुक्ति प्रदान मिल सके। आप लोग साथ साथ बोलो हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 तही भी लिखल बा गरुड़ पुराण में कि इस महामंत्र से बोलने से जोन कहा लिखल बा पद्म पुराण में और पद्म पुराण में परमान बतावे कि शिव पार्वती से बोले कि कल युग में ही लोग उपाय है पंडित हम ना जा सकेला नदी के आसपास तो कैसे हम करी तो जोन मंत्र में बोल रही है हम गंगाए नमः हुई बोल दे जब ऊ ना रही हरे रामा हरे कृष्ण मक्यो रा और मा आकर के भगवान शिव के कंठ में हाय और राम नाम सत्य है बाकी विष्णु भगवान के कई अवतार है मत्स्य अवतार वराह अवतार नरसिंह अवतार कुर्मा अवतार कहा करते ना हम लोग ना गायला हरे मत्स्य मत्स्य हरे हरे क्यों हरे रामा हरे कृष्ण तो आप लोग साथ साथ बोलो बोल हनुमान विष्णु दुर्गा कार्तिकेय कृष्ण वात फर्स्ट खेल एम ए फर्स्ट खेल कौन सी फिर से बोल हनुमान विष्णु गणेश अधीर से बोल कृष्ण देखिए क्या हो गया जहां आप लोग जब कृष्ण जब बोल दिए तो देखिए तोर होठ तोर जीभ जितना जो आकर के है जितना शब्द हम लोग के का घा देवनागरी स्क्रिप्ट जितना बा केवल कृष्ण भगवान बोलने से एक शब्द में हो जाए फिर से बोल कृष्ण देखे और जहां कृष्ण आप बोल रहे हैं देखिए तो और शब्द द्वारा से आकर के इसलिए सजनों कि गंगा नहान जब रही तो ये मंत्र भी बोल सके और जब ऊना रहे ओम गंगाए नमः पानी के आसपास जब आप ना जा सके तो कौन चीज कर सके भी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आकर के परमान बतावे कि जब श्राप मिल रहा है लक्ष्मी मैया की जातु पैर हो जाइए तो कौन पैर बैल रहा तुलसी के पैर तो बस तुलसी के पत्ता बस पानी में धरने से सीध वो भी गंगा स्नान और जाए
पंडित अवश्य आकर के बस पूजा करीस रहा गंगा यमुना कावेरी सरस्वती सरस्वती ना इसने तो वही जोन हवन कुंड के जोन राखी हाय बस बल्तिक पानी बस धर दो और हर हर गंगे हर हर महादेव बस नहा लो। चाहे आकर के बतकामे रहिए जितना पत्ता आकर के जब गिर जाए बितोर करके बस वृक्ष पर आकर के आसपास धर दो। तो का अर्थ कौन जी है कि का कर ले है? कि अपन जितना जो अनजान पाप जो कर लो हो तो वो विमुक्त हो जाए। कभी कभी झंडी के आसपास हम लोग जाइला कचर देला हम लोग तुलसी के वृक्ष पर, इसलिए ज्ञान चाहिए अपन झंडी के आसपास खूब मोई से घेर लो। जहां आकर के तुलसी बहुत ढेर है खूब मोई जगह भर ना कचर चाहिए। जहां आकर के तुलसी के लकड़ी जब आकर के पंडित हमारे तुलसी के पेड़ झोराएंगे तो का भाई, तो ही तुलसी के लकड़ियों से आकर के हवन करने से परमान बतावे पद्म पुराण में कि तुलसी के लकड़ी हवन करने से यज्ञ के फल मिल जाए। दिया बारिक चाहिए ठीक है, तो तुलसी के लकड़ियों जितना जो राखी जो आकर के आसपास हैं बस वही दिया में धर दो, एक दिया बारने से 1000 दिया हो जाए। प्रसाद जब बनल जाए भी सजनों बस तुलसी के लकड़ी आकर के धरने से एक प्रसाद बनाने से 10000 बना दे, इतना पवित्र तुलसी के लकड़ी है। तो सजनों गंगा नहान के रोज पर जैसे आप लोगों के घर के पुरोहित आकर के बताए इस बार राई लेवल जाए नीत ऑफ लास्ट मोमेंट लगभग जब आकर के आप लोगों की जो त्रदित्सी है तो आप सोच कि जब शिव भगवान जटाधारी बस मस्तक पर सिर पर आकर के गंगा उकर पद दे इस बार तो आप सोचिए कितना बलंग रही हम लोग के गंगा नहान। तब तो भी आकर के हम लोग के गंगा नहान होते हुए कोई जन्मे ना करे सनातन धर्म माने उतनी बिसाइन खा ले रोज पर भी भूल जाए कि हम लोग के तीर्थ आकर के है। इसलिए आकर के सजनों अवश्य मंदिर में आना तब हम लोग जान यथा राय लेवल जाए कि कब तिहारी ही। बाकी पंडित जब बन रही तो क्या करी इंटरनेट तो भी बा मोबाइल से सहित आकर के खुद भी देखिए दूसर चीज खोजा है सब चीज सर्वेल इतना सहज बा कि आकर के इंटरनेट पर जाओ और खोज कि गंगा नहान के महत्व कौन से है। विकिपीडिया भी आकर के है बस ओकर सब रस के कथा सब प्रमाण आकर के लिखल भाभी और करने के आके आयो तो अपन घर के पंडित प्रश्न पूछो कैसे आकर के करल जाए। तो सजनों गंगा से आकर के जब तक आकर के नदी के आसपास रही तो कोकस नोक में बास्त यथा आवारा बास्त चाहे जो ची मिलियो फ्रिंदलक बस कुछ फल धर दो कुछ आकर के प्रसाद जब मांगे धरियो कपूर बार करके बस आकर के आरती उठा दे हर हर महादेव शंभु और चाहे ओम गंगाय नमः जब मंत्र ना दिलिए हरे कृष्णा हरे रामा बस वही थी। अब बस प्रार्थना करने से कहे गंगा मैया कि हम लोग के अनजान पाप जन आकर कर ले ही हम लोग विमुक्त हो जाए। बस आकर के पानी में परवा कर दे फूल से सीध प्रार्थना करो बस वही पानी घर पर आकर ले करके अपन घर द्वार से आकर के जितना जो है बस आकर के स्नान करना चार कोना गंगा जल बस आकर के ऐसे बस फेंक दिया अपन आंगन में। जैसे आकर के लक्ष्मण मुसीबत में रहा कि भौजी तू ख्याल कर और भौजी बोले ना तू अपन भाई के ख्याल कर तो होका आकर के कौन चीज से पानी से सीध बस रेखा खींच दिस रहा शायद बाकरो आखिर इंगी पापा नहीं कौन चीज घर पर आकर उत्पन्न हो जाए। तो अपन खुद गंगा जल आकर के जो है बस आसपास आकर के अपन चारों कहती बस घर पर आकर छिड़ेंगे। मानवल जाए कि जब कोई के पहुंच ना है तब कैसे करिए बल्तिक पानी तुलसी के पत्ता बस धर दो ऊना रही तो देखिए राखी धर दियो जब ऊना रही नारियल के पानी वो भी ठीक है। तब बस प्रार्थना कर करके आवाहन कर दिए कि हे गंगा मैया कि यहाँ पे आप प्रवेश कीजिए हमकी शक्ति दीजिए कि बाहर से सहित भीतर से सहित कि हम लोग शुद्ध हो जाओ। दैट इज द एसेंस ऑफ गंगा नहान ये खाच सेल्फ बाद नहीं तलिन ऐतलक मा उक इनरक यो इनरक एंड ऐतलक इज बलंगरी उम अलस सोंदस अलस तफदरी वन कभी कभी हम लोग भटक जाएगा। हम लोग जाने ला के एक चीज आकर के नाम हुई है तो भी हम लोग करेगा क्यों जो मन सा पाप जो आकर कहेगा तो हम लोग पाप करते जाए जो देह जो आकर कहे थोड़ा बा आकर के पाप करने के करती ना भगवान की सेवा भगवान की पूजा भगवान के झंडी गाड़ना भगवान के भजन गाओ भगवान के सब चीज। आप मनुष्य हैं और मनुष्य के कारण से आकर के आपके लक्ष्य है कि देखो आकर के भगवान हमारे हाथ से यथा प्रार्थना करने से तीर्थ स्थान जाए से कि हम मुक्ति प्रदान मिल सके। यू मैन नीट मेयर फेयर फॉन फॉर लॉसिंग
dan probeert u zelf dan schoon te houden. Ja, maar God is verantwoordelijk van ons toch? Kan ik dan aan? Kisait jon paap aker ke baad kas aker ke kar lo ho ta samajh lo ganga nahan se aker ke karne se u sab vimukt ho jaye ta sajno bas chaliye aap log har jo lova aur fir bhi mahamrityum jaye hum log sath sath binti kare agar jab aker ke aap log ke pita par pita vrat pita aker ke gujar ke raha hui hu ego din ba ke apan pitran ke visrat yatha tilanjali deve ke jaisa aap log mangiyo चाहे आकर के कर या तिल से कुछ धर दियो मीठा भात दे दिए खाए न करियो अपन घर से पंडित आकर के प्रश्न पूछ लिए तो वो भी आकर के हो सके है मैं आप लोगों के भी कि जे जो गुजर गए उसको भी अवश्य मुक्ति प्रदान आकर के मिले। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। ओम त्रयंबकम ययामहे सुगंधिम पुष्टे वरदनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षे मामृता। ॐ त्र्यम्बकं ययामहे सुगन्धिं पुष्टे वरदनं उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षे मामृता। ॐ त्र्यम्बकं ययामहे सुगन्धिं पुष्टे वरदनं उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षे मामृता मृत्योर्मोक्षे। श्री शिव शंकर भगवान की। बस भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के आकर के बस गंगा मैया प्रकट भइल बा। और अगर जब तक आप लोग सुनियो कि जब गंगा नदी ना है तो हम लोग के अंतिम प्रलय है सो बल्लंगर के इस गंगा नहा सुद्राई और एरस खिंग गंगा रिफीर मेरे इस अपखद्रूप इस अफलूप देर मिला मने मन में सोचे कोविड है कोरोना है ईबे का हो। अरे सजनों अबे गंगा नहान है अबे पानी है जिस दिन जा आकर के दर्शन करिए कि पानी है ना है सुखाई गए जैसे सरस्वती नदी श्राप के कारण तब मानवल जाए तब अंतिम प्रलय है। और जब तक आकर के मुक्ना है आप विनती प्राप्ति करो अवश्य आकर के गंगा नहान जैसे आप लोगों का आप जाने हैं चाहे माला जाप करियो चाहे गंगा मूर्ति आसपास रही। एक चीज और बा ढेर मिला गंगा मैया और नर्मदा माता के फर्श खेल ना जाने गंगा मैया के कौन रंग बा ऐसा तो रोद ऑफ ऐसा खेल इस खेल वन काहे कहते हैं विष्णु भगवान से उत्पन्न भल बा विष्णु भगवान के कौन नाम रहा आकर के विष्णु नाम और आकर के फिर जोन पियर रंग के बा तो इसलिए कि जहां मूर्ति आप लोग खरीदल जाए देखिए मकर आकर कुकर वाहन है क्रोकोडेल तो देखिए लाल साड़ी जब रही तो वो गंगा ना है दबिए सर नर्मदा माता तो नर्मदा माता है। और जे जो पियर वस्त्र कभी कभी उज्जर वस्त्र खौत से दत्कानो तब मानवल जाए वही गंगा है। तो गंगा मूर्ति पर आकर के अवश्य बस स्नान करो प्रार्थना करो और बस विनती करल जाए कि हे गंगा मैया कि जितना कार्य कर आकर के कर ली उसको सिद्ध करना दैट इज द एसेंस एंड द क्राफ्ट ऑफ गंगा मैया कि जो सब कार्य सिद्ध करल जाए। तो सजनो दो शब्द अनुसार फिर भी आकर के आपसे सुन ली बहुत आकर के बहुत सुंदर से अनुसार कि गंगा नहान आने वाला आकर के बृहस्पतिवार है 8 नवंबर जैसा आकर के आपके शिक्षा है यथा ज्ञान है बाकी अवश्य कुछ करना हम लोग के जितना जो त्योहार रही इसने करने से अवश्य आकर के आपके भाला होगा। ईसा तो बहुत दुख है हम लोग के तो इसलिए स्नान करो कि सब रोग बीमारी आकर के सब ऐसे निवारण कीजिए। सजनो दो शब्द अनुसार आपका हम आपसे सुन ले फिर भी समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आकर के भी प्रेम से बोलो श्री शिव शंकर भगवान की जय। जताधराई शिव जताधराए हर हर भोले नमः शिवाय। जताधराई शिव जताधराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। यहां से आप लोग ने देखे हैगा दूरदर्शन रॉबिन मीडियम के माध्यम से हम सभी का मंदिर के कार्यक्रम। इस मंदिर के कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर करने वाले होते हैं अपना हाथ बताते हैगा वो होते हैं आपिका बाजार जनता की बाजार बादशाहों का बादशाह कॉम्बी मार्ग उसके प्रति हैफी इक्विपमेंट
भैया मुंची घाड़ू इसमें भी हाथ धन सहयोग दे रहे हैं गा, और इसके साथ साथ हमारे परिवार महेंद्र हीरा सिंह जो हाई ग्रुप का होता है, ये हम सभी का धन सहयोग देते हैं, जिससे हम सभी ये कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचाए हुए है गा। अगले सप्ताह फिर एक अगले मंदिर से हम आप लोग से परिचय कराने वाले हैं। आप सभी को एक शुभ रात्रि, राम राम, नमस्कार अर्थात सलाम वालेकुम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।